वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस ट्रैक पर आते ही मसाइल का शिकार हो गई। जिना एक्सप्रेस की बोगियां चौथे सफर के बाद जवाब देने लगी। जिना एक्सप्रेस की एक बोगी खराब, ग्रीन लाइन की बोगी लगाकर कराची रवाना कर दी गई। आपको बताएं, वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस ट्रैक पर आते ही मसाइल का शिकार हो गई। जिना एक्सप्रेस की बोगियां चौथे सफर के बाद जवाब देने लगी। जिना एक्सप्रेस की एक बोगी खराब हो गई। तफसीलात जानेंगे राना फहद से। जी राना फहद, बिल्कुल। वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिताह किया गया और शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि ये वीवीआईपी ट्रेन है और पाकिस्तान में ये पहली वीवीआईपी नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये जो है वो अपने आगाज से ही, इसके सफर से आगाज से ही ये मिसाइल का शिकार होना शुरू हो गई है। जिना एक्सप्रेस से जब पहले दिन सफर किया था तो भी इसकी जो है इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया और आज चौथे दिन सफर के बाद ये जवाब देने लगी है। जिना एक्सप्रेस की एक बोगी आज जो है वो खराब होगी। इसकी बोगी के खराब होने की बाइस ग्रीन लाइन ट्रेन की एक कोच को जो है वो जिना एक्सप्रेस के साथ लगाकर कराची रवाना किया गया, जबकि पुरानी बोगियों को जराए का कहना है कि उजरत में ठीक करवाकर चलाने के नतायज जो है वो वाजह तौर पर अब सामने आना शुरू हो गए हैं। जबकि जिन मुसाफरों को जो है वो ग्रीन लाइन की बोगी में बैठाया गया, वहां पर कम सहूलियात की हामल बोगी थी ये, जिस पर मुसाफरों ने भी जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया रेलवे इंतजामिया का। उनका कहना था कि घंटों इंतजार करने के बावजूद ट्रेन में वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके लिए जो है वो पैसे लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना फहद।